दिन है सोमवार का, तारीख है 13 नवंबर 2023, कार्तिक अमावस्या पर चंद्रमा तुला राशि और विशाखा नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभंक रहेगा 4, शुभंक रहेगा नीला, शुभ दिशा रहेगी नैऋत्य, राहु काल रहेगा सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक का। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर को 12:05 से लेकर के दोपहर 2:36 तक। विशेष क्या है, सौभाग्य योग है, कार्तिक अमावस्या है, इसे दीपावली का एक्सटेंशन कहा जाता है, और ऐसे में दोपहर के समय में महालक्ष्मी के पूजन का, महालक्ष्मी के धान्य लक्ष्मी पूजन का विधान है, और क्या है, धान्य लक्ष्मी का पूजन है विशेष, और हमारा विशेष उपाय भी इसी संबंधित है, इसकी पूरी जानकारी देंगे। लेकिन भविष्यफल में सबसे पहले बात करेंगे राशिफल की। मेष, कारोबारी यात्रा से लाभ होगा, भाषा पर काबू रखें, करियर में नए मौके प्राप्त होंगे, दोस्तों से मनमुटाव के योग हैं, उपाय ये करेंगे पूजा घर में चावल चढ़ाएं। वृष, सेहत में सुधार आएगा, मन की बातें कहने का मौका मिलेगा, प्रेमी से विवाद के योग हैं, कीमती चीज़ों पर धन का खर्चा होगा, उपाय ये करके कर्पूर जलाकर धूप करें। मिथुन, कारोबारी स्थिति बेहतर रहेगी, नौकरी में तरक्की के योग हैं, सामाजिक रुतबा बढ़ेगा, कार्यक्षेत्र में मौके मिलेंगे, उपाय ये करेंगे सफ़ेद कपड़े में सिक्के बांधकर तिजोरी में रखें। कर्क, नए कारोबारी सौदे होंगे, घरेलू समस्या परेशान करेगी, कार्यक्षेत्र में शत्रुओं पर जीत मिलेगी, मित्रों के साथ में पार्टी करेंगे, उपाय ये करेंगे मस्तक पर चंदन से तिलक करें। सिंह, घरेलू सुख बढ़ेगा, कुमारों की शादी पक्की होगी, कारोबारी लाभ होगा, शुभ सूचना मिलेगी, पिछले कामों से लाभ होगा, उपाय ये करें कि पक्षियों के लिए चावल रखें। कन्या, भाषा पर काबू रखें, दोस्तों से मदद मिलेगी, उधार के लेन देन से बचें, अधूरे काम पूरे होंगे, खर्चों में वृद्धि होगी, उपाय ये करें कि सफ़ेद रंग का रुमाल जेब में रखें। तुला, उत्साह में कमी आएगी, घर की सजावट में समय बीतेगा, समाज में लोकप्रियता बढ़ेगी, प्रेम संबंध मजबूत रहेंगे, उपाय ये करें कि तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाएं। वृश्चिक, दाम्पत्य सुखी रहेगा, सामाजिक काम में भाग लेंगे, नए लोगों के संपर्क से लाभ होगा, सोचे हुए काम पूरे होंगे, उपाय ये करें कि गरीब महिला को सफ़ेद कपड़ा दान करें। धनु, कारोबारी लाभ होगा, वाहन सतर्कता से चलाएं, धन लाभ होगा, उलझे हुए मामले सुलझेंगे, सेहत पर ध्यान दें, उपाय ये करेंगे कागज़ पर इंदु लिखकर जेब में रखें। मकर, मन खुश रहेगा, कार्यों में बाधा आएगी, घरेलू कामों को समय दे पाएंगे, पढ़ाई में अरुचि रहेगी, भाषा पर काबू रखें, उपाय ये करेंगे चांदी की अंगूठी धारण करें। कुंभ, कुमारों को विवाह प्रस्ताव मिलेगा, समाज में रुतबा बढ़ेगा, फंसा हुआ धन प्राप्त होगा, दाम्पत्य मधुर रहेगा, उपाय ये करें कि गरीब कन्या को चावल का दान करें। मीन, सेहत पर ध्यान दें, मित्रों से विवाद होगा, पुराने संबंधों से लाभ होगा, कड़े प्रयासों से सफलता मिलेगी, घूमने फिरने जाएंगे, उपाय ये करें कि उत्तर पश्चिम मुखी होकर 21 बार श्रीम का जाप। तो दोस्तों, अब समय है आज के विशेष उपाय का, वो विशेष उपाय जो आपको हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करवाएगा। देखिए, खास दिन है ये, महालक्ष्मी के पूजन का एक्सटेंशन कहलाता है, दीपावली का एक्सटेंशन कहलाता है, ऐसे में दोपहर के समय महालक्ष्मी के पूजन का, महालक्ष्मी के धान्य लक्ष्मी के पूजन का विधान है। तो क्या करें आप, हर क्षेत्र में विजय पाने के लिए महालक्ष्मी पर चावल चढ़ाएं, और चढ़े हुए जो चावल है ये पक्षियों पर डाल दें, और इस पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जाप करें, ओम श्रीम क्लीम अजयाय नमः। अजय का मतलब जीत होता है, तो हर क्षेत्र में आपको जीत मिलेगी।